नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। कोरोना वायरस अपना कहर ढाकर जाने को है, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया काम करके गया है। सच में जिस होम्योपैथी सिस्टम को लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे, एक प्लेसिबो इफेक्ट मानते थे, क्या काम करता है, कुछ नहीं, पानी है, सिर्फ पानी है, ये समझते थे और इसी का प्रचार और प्रसार करते थे अपना मन खुश करने के लिए। उनको अकल आ गया। उनके अकल ठिकाने लगाने के लिए ये कोरोना वायरस को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बढ़िया काम करके गया है। जिस मॉडर्न मेडिसिन के नाते लोग पागल हुए पड़े हैं, उसी मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी सिस्टम के कारण आज इतने लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से जितनी मौत नहीं हुई, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है मॉडर्न मेडिसिन के चक्कर में, उनकी मौत हुई है। लोगों का जो अकल है वो ठिकाने आ गया है, वो सही रास्ते पर अभी आया है। वो लोग पहचानने लगे हैं कि क्या मॉडर्न मेडिसिन है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, होम्योपैथी क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उनको अभी पता चल रहा है। इसीलिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी होम्योपैथी के ऊपर रिसर्च चल रहा है और वो लोग कोरोना के पेशेंट को इसको देकर अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं और ठीक भी कर रहे हैं। उनका इम्यूनिटी भी बूस्टअप कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन देकर। कहीं कहीं जगह पर आयुर्वेदा भी यूज़ करा जा रहा है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर के जो अपने सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी होम्योपैथी के ऊपर रिसर्च शुरू कर दिया है। आपको रोज़ न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा, कुछ हमारे भारत के एमपी हैं जो मंत्री हैं, उन्होंने कैसे एडवोकेट किया है, होम्योपैथी को सपोर्ट किया है संसद में। बहुत बढ़िया है, आपको सुनने के बाद बहुत खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा कि हमारा जो संग्राम था, हमारा जो रिवोल्यूशन था, वो सही रास्ते पर जा रहा है, सही ट्रैक पे है, वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या वो मंत्री सब कह रहे हैं, एमपीस कह रहे हैं संसद में, और कैसे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं होम्योपैथी सिस्टम को। मैं आज भी आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, आपको होम्योपैथी सिस्टम ही लीजिए, उसका चयन कीजिए, होम्योपैथी इज द बेस्ट। यह मॉडर्न मेडिसिन आने वाले दिनों में नाकाम होने वाला है। कई ऐसे, सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई ऐसे वायरल इन्फेक्शन आएंगे, कई ऐसे क्रॉनिक डिजीज आएंगे, कई ऐसे मेंटल कंडीशन आएंगे जहां पर ये कुछ काम नहीं करेगा, वो उस वक्त क्या करेंगे आप, कोई चारा नहीं है। आज भी समय है, अभी भी समय है, सुधर जाइए आप, होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। या तो आयुर्वेदा लीजिए या होम्योपैथी लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है और कई सालों से इसमें लिखा गया है। जो अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर, इसीलिए कई लोगों की, लाखों लोगों की मौत हुई है पूरे दुनिया भर में। भारत में भी लोग ये नहीं समझे थे अभी तक कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा कुछ इसके लिए बेनिफिट हो सकता है, इसीलिए कई लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से रिलेटेड, नहीं तो कुछ मौत नहीं होती। आप सेल्फिशनेस को छोड़कर आयुष के जो भी सिस्टम है, खास करके जो आयुर्वेदा है या होम्योपैथी है, उसको भी अगर आप एक मेन सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का इकोनॉमी बहुत बढ़ेगा और एक सुपर पावर बन सकता है। आप लोग सुनिए जो हमारे एमपी से, वो किस कदर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, कई सालों से ये आयुर्वेदा होम्योपैथी के ऊपर चला है और इसीलिए यहाँ के लोग इतने निरोग हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाहर के लोगों से। अगर फॉरेन के लोगों से हम कंपेयर करें तो भारत के लोग बहुत निरोग हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होम्योपैथी और आयुर्वेदा के सिस्टम के ऊपर लोग प्रचलित हैं, बहुत ही प्रचार प्रसार है हिंदुस्तान में, उतना कहीं पर भी नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो आप अमेरिका कह लीजिए, लंदन कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और चारों तरफ जितने भी कंट्रीज है, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम एकदम ख़राब है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन को मानते हैं। लेकिन हमारे भारत में बहुत इसका डेवलपमेंट है, फिर भी प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हम वही अमेरिका के राह पर चलकर मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट करना चाहते थे, इसीलिए इतनी मौत हुई है कोरोना में, इतना कहर ढाया है, नहीं तो उतना भी नहीं होता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज भी समय है, आप सब लोग सजाग हो जाइए, चाहे कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ क्यों ना हो, हमेशा होम्योपैथी का चयन कीजिए। और मैं ये जानता हूँ कि आने वाले दिनों में होम्योपैथिक सिस्टम दुनिया का जो मुख्य धारा का जो सिस्टम है, जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, वो बनने वाला है। उसमें वो ताकत है, उसमें वो सच्चाई है, उसमें वो दम है, वो नंबर वन सिस्टम बनने वाला है। तो आने वाले दिनों में ये प्रचार और प्रसार बहुत होने वाला है। बहुत सारे ऐसी बीमारियां आने वाली है जहां पर मॉडर्न मेडिसिन फेल्यूर होने वाला है, क्योंकि उनके पास वो दवाइयां नहीं है। लेकिन कई सालों पहले हमारे जो पायनियर्स थे,
हमारे जो महात्मा लोग थे उन्होंने लिखकर दे दिया है, उन्होंने जो लिटरेचर बना दिया है, चाहे वो आयुर्वेदा हो या फिर होम्योपैथी हो, सारे बीमारियों के लिए उनका जो भी सॉल्यूशन था उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, बस उसको प्रचार और प्रसार करने की ज़रूरत है, लोगों के मन में जो भय है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और सच में हम इसको समाज के मंगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, देश के मंगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, आप उसके भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन करिए। हमारे जो चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी है, उसको ज्वाइन करिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मंथली बस 159 रुपीज़, कुछ भी नहीं है आज के डेट में। आप बस ज्वाइन करिए, हमें सपोर्ट करिए, और आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जो आपकी मदद करेगा होम्योपैथी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और आपको हेल्थ के दृष्टि से सुरक्षा देने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप मुझे पूछना चाहते हैं, अगर आपने मेंबरशिप लिया है हमसे, आपने ज्वाइन किया है 159 रुपीज़ देकर, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके कोई भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9439123823, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं 9439123823। आप उस पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, मैं आपका जवाब दूंगा। बस आप ज्वाइन होइए, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चैनल के मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने 159 रुपीज़ देकर ज्वाइन किया है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए देखते हैं मेरे इस वीडियो के बाद क्या क्या जो उन MPs ने होम्योपैथी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कहा है, आइए देखते हैं। नमस्कार। ये आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब बहुत पुरानी पद्धतियां हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि इसके प्रति लोग उदासीन बहुत हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छी, पूनिया साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी पद्धति है और गरीब लोगों का इलाज इससे हो जाता है, महंगी नहीं है। और कुछ रोगों में ये रामबाण है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं हो पाता, होम्योपैथी से हो जाता। 70 के दशक में मेरे इतना सीवियर माइग्रेन पेन होता था कि सारे देश के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट सब फेल हो गए। तब लखनऊ में एक डॉक्टर घोष हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने दवा दी, 15 दिन में ठीक हो गया। 50 साल होने जा रहे हैं, आज तक मेरे दोबारा दर्द नहीं। Nobody could cure, लेकिन ही cured it। लेकिन अगर कोई बात एलोपैथिक लोगों के मानसिकता वाले लोगों से करें तो कहेंगे करे साहब ये तो बेकार है। सर, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो टू नो दैट आउट ऑफ 200 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हु अडॉप्ट होम्योपैथी, 100 मिलियन आर इन इंडिया। सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर, एंड देयरफॉर इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द हब ऑफ होम्योपैथी। सर, इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स, ऑलमोस्ट 2 lakh, एंड almost 12,000 join every year because we have the largest number of colleges. So undoubtedly there is a growing demand for homeopathy because of its easiness of use and also its low prices. Allopathy, it has to also have other streams. We see a cancer patient who takes allopathic medicine but also resorts to Ayurveda or homeopathy. So my appeal is, sir, that all PHCs should have doctors of all streams, number one. Number two, sir, they should have regular interaction between each other. मैं होम्योपैथ की 2-3 बातें आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने 2 वकील साथियों का उनके बच्चों के साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा। मैं तब से होम्योपैथ का बड़ा फैन हो गया कि एक का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उसके अंग जुड़ गए। अंग जुड़ते ही डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन का हो जाने दीजिए बच्चे को, 12-13 दिन में हम इसका फिर ऑपरेशन करेंगे। तो एक होम्योपैथ के डॉक्टर और वकालत भी करते थे, उन्होंने कहा कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथ की दवा हम देते हैं इसकी एक एक बूंद डालते जाइए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन में यह अवगत कराना चाहता हूं, आज भी वो डिस्पेंसरी है, आज भी वो डॉक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही दवाई देनी प्रारंभ करी
तो 12-13 दिन में स्वयं ही वो अलग अलग हो गए अंग और खुल गए। ये होम्योपैथी की तारीफ है। और एक हमारे वकील साथी की लड़की जो पैदा होते ही आंखों में कीच भर जाती थी, बिल्कुल कीच भरती थी, सभी एलोपैथ के डॉक्टर्स को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ठीक होते जाएगी ऊपर को हार्मोन डेवलप होंगे ठीक हो जाएगी। तो उसी डॉक्टर ने कहा कि ये सब कहते रहते हैं, मैं आपको 2-3 बूंद देता हूं, 3 दिन आप दवा करिए फिर फर्क बताइए। पहले दिन दवा खिलाई, आंख में डाली बच्ची की, आधा साफ, दूसरे दिन उससे ज्यादा साफ, और तीसरे दिन बिल्कुल बच्ची की आंख साफ, और वो बच्ची आज यहां दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। ये होम्योपैथ का इतना बड़ा चमत्कार है। मेरा एक पहला ही सवाल ऐसा है कि क्या मैं जिनके पास से दवा लेता हूँ, डॉक्टर अजीत कुलकर्णी करके, वो खुद एलोपैथी के पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं, लेकिन वो उनकी प्रैक्टिस सालों से होम्योपैथी की चलती है। होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं वो भी अपना कोर्स 5.5 साल में पूरा करते हैं, और एक एलोपैथी डॉक्टर भी अपना कोर्स जो है 5 साल में पूरा करता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा एलोपैथी के डॉक्टर को मिलती है वो भ्रष्टाचार के कारण होम्योपैथी के डॉक्टर को नहीं मिलती। बींग ए डॉक्टर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, टू टॉक अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, माई पोजिशन इज क्रूशियल। टू ए पेशेंट, टू ए सफरर, द रिलीफ इज द मेन थिंग, नॉट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द मेडिसिन। Relief is the main thing, not the terminology of the medicine. So it was really striking my mind and analysis. From that day, I started mixing with the Ayurveda doctors and homeopath doctors. And believe me, being a medical doctor, with practicing modern medicines, no modern medicine doctors cured my sinus problem. I had to take the help of the homeopath to cure my sinus problem. This is on record. This is on record. I can challenge it. This is on record. I studied under the laureates of ENT specialists. They could not cure me. One, a very small, young homeopath doctor from D&D Medical College, homeopathy in Howrah district, cured me. This is reality. When in allopathic modern medicine, the surgical intervention is necessary, are we in a hesitant mind that we will not go? We have to go. Heart block, bypass surgery, it's a mandatory provision. Intestinal obstruction, it is a mandatory provision. Will any Ayurveda doctor or homeopathic doctor will obstruct that? No, don't go, you die. No. So cohesive combination. The philosophy should be like that. A cohesive combination of all branches of medicines should be adopted with an apex body and remedy to the patient should be the prima facie. A integrated therapy should be accepted, and India should be pioneer to that. This, if the structural organization of the Indian system of medicine, if it is achieved, then the entire propagation and use of Indian system of medicine by the citizens of this country and the people of this country would take place. The promotion of Indian system of medicine and homeopathy has not had backing of the government at all. Even if there was a bill, the allocations have not been much. It is only in the recent times and only in a few states that this has taken off. Whereas the kind of promotion that has been available to the allopathic branch of medicine, the modern, so-called modern system of medicine, has not taken place. देखिए, मैं सभापति महोदय कहना चाहूँगा, मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में ये संबंध है कि आप टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल दीजिए, पावर का पैराडाइम बदल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही एटम बम अमेरिका के पास आया, पावर पैराडाइम ब्रिटेन से, यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया। आज यदि हम
फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी देशों ने इतनी प्रगति कर रखी है, यदि हम उनके फॉलोअर बनना चाहेंगे उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, तो जैसे अमेरिका के FDA ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमें दशक लग जाएंगे उनके आसपास पहुंचने। परंतु यदि हम पैराडाइम शिफ्ट कर दें, वो पैराडाइम शिफ्ट ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद आते हैं, जिनके पास वह आधार है, जिनका मूल आधार ही अलग है उन चिकित्सा पद्धतियों से, और यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से स्थापित कर लिया तो हमें 80-90% चीजों में उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो वो हमें बड़े ऊंचे मूल्यों पर देते हैं।